और इस वक्त आ रही है हमारे पास एक बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के बचाव में उतर आए हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना गलत है, ये पाकिस्तान से डील करने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे देश को क्यों दी जाए, पूरे पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार मानना सही नहीं है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पाकिस्तान के फेवर में ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। पुलवामा हमला जिसमें 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, घात लगाकर हमला हुआ था और इसके पीछे जिसका हाथ था जैश ए मोहम्मद, उसका ठिकाना पाकिस्तान में। लेकिन इन तमाम फैक्ट्स को दरकिनार करते हुए सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को इसकी सजा देना गलत है, पूरे पाकिस्तान को गलत समझना ये अपने आप में गलत सोच है। ऐसे में पाकिस्तान से डील नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पर एरियल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया और कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी यानी कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे देश को क्यों दी जाए। तो अपने आप में ये एक ऐसा बयान जो एक ऐसे समय में आया है जब एक तरफ एक बड़ा आतंकी हमला देश ने झेला है, उसको लेकर जो जबरदस्त रिएक्शंस का दौर था वो सब देखा, लेकिन ऐसा बयान अब चुनाव के मौसम में इसके बाद कितनी प्रतिक्रियाएं इस पर आएंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मौसमी सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब मौसमी, चुनाव का वक्त नजदीक और सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को गलत क्यों समझा जाए, ये पाकिस्तान से डील करने का तरीका नहीं है। और बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के भी बेहद करीबी है सैम पित्रोदा। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा और लगातार भारत सरकार ने जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीतिक तरीके से जो है लगातार बाकी देशों को जानकारी देने और बताने के लिए कि नॉन टेरर स्ट्राइक थी, ये मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, इट वाज अ टेरर स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, और किसी भी सिविलियन पर केंद्रित नहीं थी, उसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, ये बताने के लिए भारत सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था, तमाम एनवॉयज को बुलाया गया था। यहाँ पे ओवरसीज कांग्रेस के चीफ जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मुंबई हमले में कांग्रेस सरकार का रवैया रहा उस पर बीजेपी ने जब सवाल खड़े किए हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि किसी भी पूरे देश को गलत ठहराना या उसको जवाबदेह बनाना सही है। बिल्कुल, और इसीलिए ये अब बड़े सवाल इस बयान को लेकर भी उठ रहे हैं मौसमी, और ये देखना होगा कि अब इस पर जब प्रतिक्रियाएं आती हैं तो एक बार फिर वो चुनावी मौसम में सुर्खियां बटोरेंगी। शुक्रिया मौसमी आपका इस जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।